टूजी का मामला और कोयले के आवंटन का मामला दोनों अब एक ही तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा इतना बड़ा भ्रष्टाचार आज तक कभी देश ने देखा नहीं। वो हवा में किया, ये पाताल में किया, और ये ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ, और सरकार और कांग्रेस उस पर पर्दा डालने का पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन एक भी और देखने को मिल रहा है, जितना वो पर्दा डालने का काम कर रहे उतने वो बेनकाबगी हो रहे। सी द 2G स्कैम एंड द कोल स्कैम आर मूविंग इन द सेम डिरेक्शन बिकॉज दिस इज मॉन्यूमेंटल करप्शन एंड देर इज गवर्नमेंट एफर्ट, ऑल आउट एफर्ट टू अ मैसिव कवर अप इन बोथ दीज स्कैम्स। बट मोर दे डू इट, मोर थिंग्स आर कमिंग आउट एंड रिवील्ड एंड दे आर बैडली एक्सपोज। इसका कारण है ये, व्हाई देर इज अ मैसिव कवर अप ऑफ दीज टू, बिकॉज इट इज डायरेक्टली द प्राइम मिनिस्टर हु इज नॉट ओनली अक्यूज्ड बट ही इज इन्वॉल्व्ड इन इट। प्रधानमंत्री है दोनों में। कोल के मामले में तो 2006 और 2009 में जो बंदरबांट हुई उसमें कोल मंत्री के तरह कोयला मंत्री के तहत उन्हीं के हस्ताक्षर से हर एक कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है। सो ही हैज सैंक्शन, द प्राइम मिनिस्टर हैज सैंक्शन ईच सच अलोकेशन इन 2006, ड्यूरिंग 2006 एंड 2009, विच इज द रियल बोन ऑफ कंटेंशन। एंड नाउ सीबीआई हैज कम अप विथ हर क्वाइट करेक्ट, एंड गवर्नमेंट हैड टू ऑल्सो एक्सेप्ट इन सुप्रीम कोर्ट दैट देर इज नो मिनिट्स, no records, no reasons given for why somebody is not given and why some applicant is selected. That due diligence, which was very important part of any process, a government process, a transparent process, requires that to be recorded. हर एक को जिसको मिला उसको क्यों मिला, और जिसको नहीं मिला उनको क्यों नहीं मिला, इसका कोई कारण तो होगा, और कारण कहीं लिखा नहीं है। नो मिनट्स, ये जो नया खुलासा है पूरा साबित करता है, और कोल मंत्री के नाते प्रधानमंत्री के स्वयं के हस्ताक्षर है, तो और क्या लिप्तता होती है। और इसलिए इसे सीधी तरह से प्रधानमंत्री जिम्मेवार बनते हैं, और इसीलिए लिपापोती के सारे प्रयास चल रहे हैं।